basically. So once you're back, कोई particularly एक दो कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपने बोला काश ये इस फिल्म में मैं होता? मैं समझा नहीं यार की कह रहे हैं. मैं पूछे कि जब तुसी वापस आए हो तो सा एंजू के पिक्चर देख के थानू लगे कि इस पिक्चर काश मैं होवा, इतनी वड्डी वड्डी पिक्चर लगी हैं ते थानू के देख के लगे कि मैं होवा पिक्चर? बिल्कुल यार, बैटमैन देख के मैं इस तरह लगे. Sanju, don't you think you are too young to be Aditi's father? Wow. Of course I'm young to be your father, but I'm just playing a character. You forget that? Sir, आपकी life जो है काफी ups and downs वाली रही है. पिछला पिछले और रंगीन भी रही है यार. Hopefully वो दख में देखने को मिलेगी. सर मैं जानना चाहूंगा कि जब आप जेल से बाहर आए तो कितना कितने बेताब थे कि आप स्क्रीन पर लौटें और शूट सेट के शूटिंग पर लौटें, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा से आपने इतने सालों तक 35 साल तक फिल्मों में काम किया है, तो कितनी कितना वेट कर रहे थे कि मैं पहली फिल्म में और पहले सेट पे पहुंचूं, और पहले दिन जब आप सेट पे पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी उस दौरान? वेल, मैं बेताब तो नहीं था वापस सेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि दाल चावल मेरी बीवी ही दे देती थी खाने के लिए. और लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि जो पिक्चर जो पहली आएगी एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हों, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, ये ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद में बोल सकता है. लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, बंटी वालिया, अपना बंसल साहब और बिट्टू. तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की.